सो so, मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी F23 जो है एक बजट कैटेगरी 5G स्मार्टफोन एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका इंटरनल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्रदान करके यहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखा जाए ये डिवाइस चल रहा है वन यू आई एंड एंड्रॉयड वर्सन अगर देखा जाए ये है एंड्रॉयड वर्सन 12.0, इसका मतलब यह है लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ साथ वन यू का भी लेटेस्ट वर्शन आपको देखने को मिलेगा ऑन सैमसंग गैलेक्सी एफ ट्वेंटी थ्री फाइव जी स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत एक बार ओ चेक कर लेते हैं देखते हैं यहाँ पर ओ काम करता है कि नहीं एंड uh, जी हाँ यहाँ पर ओ काम करता है एंड आप आराम से ओ इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन दिस डिवाइस ओ काम करता है इसका मतलब ये है यू कैन ऐड कीबोर्ड एंड माउस टू जी हाँ एडिशनल कीबोर्ड माउस आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जाते हैं उसके बाद आपको जाना पड़ेगा जनरल मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट के जा जाने के बाद यहाँ पर आपको माउस ट्रैक पैड पॉइंटर उसके बाद फिजिकल कीबोर्ड कनेक्ट या फिर डिसकनेक्ट तो ये सभी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इसका मतलब ये है आप कीबोर्ड माउस चाहे तो यहाँ पर अटैच करके इस्तेमाल कर, तो इस कर सकते हैं चाहे तो उस डिवाइस में पॉप ऑफ विंडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी अगर आप ऐप खोल के रखते हैं फिर मल्टीटास्किंग में रखते हैं सिंपल आप मल्टी टास्किंग जाओ उसके बाद इसको यहाँ पर टैप करो मतलब जो आईकॉन है सो so बेसिकली इस आईकॉन में टैप करने के बाद ऐप इन्फो स्प्रिट स्क्रिन है पॉपऑफ विंडो लॉक ऐप पिन ऐप अभी ये जो स्प्लिट स्क्रीन है स्प्लिट स्क्रीन का मतलब तो यह आधा वो आ जाएगा और आधा आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं एंड इसको आप ऊपर नीचे करके ऐसे दो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो क्या है स्प्रिट स्क्रिन का फंडा अभी जो पॉपअप वाला फंडा है पॉपअप वाला फंडा है कोई भी आप यहाँ पर टैप करो उसके बाद है पॉपअप विंडो पॉपअप विंडो मतलब आपको ऐसा एक पॉपअप विंडो खुल जाता है उसको आप साइड में रख के भी आप दूसरे चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं कभी तो कभी क्या होता है हम लोग अपने फ़ोन को दूसरे किसी को देते हैं लेकिन वो लोग एक चीज़ बोल के सब चीज़ चेक करते हैं तो अगर आपको किसी को कोई भी चीज़ देना है पर्टिकुलरली वही वाला ऐप को पिन करके दे सकते हैं कैसे फॉर एन एग्जाम्पल उसको खाली गूगल प्ले स्टोर देखना है या बोले फॉर एन एग्जाम्पल उसको खाली यूट्यूब देखना है सिंपली आप यूट्यूब का ऐप ऐसे खोल लो उसके बाद मल्टी टास्किंग में जाके यूट्यूब में ऐप यहाँ पर ऐसे टैप करो उसके बाद पिन दिस ऐप कर दो ओके okay. ये पिन दिस ऐप जब भी करोगे तो उसके बाद ये बैक बटन ये बटन कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगा यहाँ पर कुछ भी चीज़ काम नहीं करेगा वो जब भी बंद भी करेगा उसके बाद खोलेगा भी तभी उसको YouTube खाली दिखाई देगा बाकी वो कहीं पर भी नहीं जा पाएगा तो इसको पिन ऐप बोलते हैं इसको हटाने के लिए रिसेंट बटन एंड ये जो बैक बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा उसके बाद वो जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा तो इससे आप अपने डेटा को या फिर फ़ोन को प्राइवेसी के हिसाब से रख सकते हैं इस डिवाइस का जो थीम है वो वॉलपेपर के साथ आप चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अभी ब्लू है अब अगर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद वॉलपेपर सेटिंग्स में जाते हैं एंड कोई भी दूसरा वॉलपेपर जो आपको पसंद है अगर आप सिलेक्ट करते हैं होम स्क्रीन में जाते हैं उसके बाद जब आप इसको सेट करेंगे सेट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपना जो थीम है या फिर आइकॉन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड ऐप का जो प्लेट है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर प्लेट्स आपको मिलता है वो आप कर सकते हैं तो ये ऑप्शन वन यू जितना डेट होगा उसके हिसाब से आपको मिलता है इस डिवाइस में एक बहुत यूजफुल ऑप्शन दिया गया विच इस एफ रेडियो जी हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी एफ रेडियो सुनते हैं तो उन लोगों के लिए यहां पर इनबिल्ड एफ रेडियो दिया गया है काले आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा एफ रेडियो को सुनने के लिए इस डिवाइस में एन का सपोर्ट मिलता है इसका मतलब यह है आप जो सैमसंग पे एप्लीकेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सैमसंग पे के मदद से आप टैप करके ही पेमेंट कर सकते हैं आपको कोई भी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं है वो आप इसमें ही सेव करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो बजट री फोन है लेकिन सैमसंग पे यहाँ पर दिया गया विच इज ए वेरी गुड एड ऑन इस डिवाइस में हाई रिफ्रेश रेट दिया गया जो है एडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रे में जाने के बाद आपको मिल जाता है मोशन स्मूदनेस जहां पर आप हंड्रेड एंड रख सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड सिक्सटी हर्स रख सकते हैं सिक्सटी हर्स, रख हर्स, रख हर्स रखने से बैटरी थोड़ा सा कम कंजम्पन होगा लेकिन हंड्रेड एंड रखने से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन ये एडेप्टिव है मतलब आप स्क्रीन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सिक्सटी हर्स या फिर एटी हर्स या फिर हंड्रेड इयर्स या फिर हंड्रेड एंड ट्वेंटी हर्ट्स अपने हिसाब से वो सेट कर लेता है फोन कस्टमाइज करने के लिए प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाइए उसके बाद कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है एंड कलर पैलेट में आप अपने हिसाब से कोई भी कलर पैलेट चूज कर सकते हैं उसके लिए आपको वॉलपेपर चेंज करने का जरूरत नहीं है एंड ये बहुत ही बढ़िया लगता है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर पैलेट चूज कर सकते हैं जो आपके यूजर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है सैमसंग के लेटेस्ट डिवाइसिस में एक ऑप्शन दिया जाता है विच इज टी प्लस का एंड यहाँ पर भी सैमसंग टी प्लस का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारे लाइव चैनल्स का मजा उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और आपको यहां पर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मतलब इंडिया के बहुत सारे अच्छे देखा यहां पर 2022 का है, मतलब एकदम लेटेस्ट यहाँ पर सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया है ऑन सैमसंग गैलेक्सीप ट्वेंटी थ्री फाइव जी में बहुत किसी को ये वाला डिस्प्ले बड़ा लग सकता है।, है काफी आसान तरीके से होम बटन को डबल टैप करने से ये वन एंड ऑपरेशन में ये इनेबल हो जाता है आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस फीचर्स में एंड देन यहाँ पर आपको मिलता है देयर इज द वन हैंड ऑपरेशन मोड तो यहाँ पर जेस्चर है जेस्चर का मतलब ये ऊपर से ऐसे करेंगे तो वन हैंड ऑपरेशन आ जाता है और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप बटन में ही क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक करने से भी ये वन हैंड ऑपरेशन हो जाता है ये दोनों प्रकार से आप वन हैंड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स के अंदर मिल जाता है मोशन एंड जेस्चर्स एंड इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट टू वेकअप है डबल टैप टू टर्न ऑन द स्क्रीन डबल टैप करने से हो जाता है डबल टैप टू टर्न ऑफ सो ये वाला हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं Double, Double tap to turn off. डबल टैप टू टर्न ऑन सो ये वाला ऑप्शन नो डाउट काफ़ी यूजफुल है उसके बाद कीप द स्क्रीन ऑन वाइल्ड व्यूइंग मतलब जब आप देख रहे हैं स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगा बाकी अगर टर्न ओवर टू म्यूट या फिर पिकअप कॉल अलर्ट फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर से आप नोटिफिकेशन को डाउन कर सकते हैं मतलब ऐसे करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा तो ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडवांस फीचर्स के अंदर मोशन एंड जेस्चर में दैट्स वेरी गुड साइड की मैं आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक तो आप ओपन टॉर्च कर सकते हैं क्विक लॉन्चर है सैमसंग पे है या फिर क्विक सिक्योर तो ये सभी ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं साइड जो बटन है इसको आप डबल टैप करेंगे यहां पर डबल टैप करने से यहाँ पर एक टॉर्च ऑन हो गया जैसे आप देख पा रहे हो जिसको मैंने ऑन करके रखा है तो इसको डबल टैप करेंगे ऑफ हो जाएगा या फिर आप क्विक लॉन्च कैमरा भी कर सकते हैं डबल टैप करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा तो ये भी आप ऑन करके रख सकते हैं मतलब अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं एडवांस फीचर्स के अंदर डुअल मैसेंजर का ऑप्शन अवेलेबल है मतलब अगर आप चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया ऐप्स को डुअल इस्तेमाल कर सकते हैं दो अकाउंट एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल लेकिन मैंने जितना देखा फॉर द टाइमिंग ओनली फॉर सोशल मीडिया अपलीकेशन आर

देखा जाए इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइज़ेशन आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है ऑन दिस लॉक स्क्रीन ऑप्शन डिवाइस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत कुछ चीजें दिया गया है एंड ए जोन एक दिया गया है जहाँ पर आप ए आर इमोजी स्टूडियो है ए आर इमोजी कैमरा है स्टिकर्स ए आर डूडल्स डेकोपेक ऐसे बहुत सारी चीजें आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज़ योर ओन अवतार और यू कैन क्रिएट योर ओन अवतार दैट ऑल्सो यू कैन डू सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अपने फ़ोन एक्सपीरियंस को और भी फन बना सकते हैं लाइक आई कैन चेंज द हेयर वाओ सो so, आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपना जो ई आर अवतार है वो बना सकते हैं बहुत कैमरा का इंटरनल चेक कर लेते हैं यहां पर मैनुअल फोकस मैनुअल वाइट बैलेंस मैनुअल आई एस ओ मैनुअल शटर स्पीड एंड रॉ सभी टाइप का सपोर्ट मिलता है ऑन दिस कैमरा अगर डिस्प्ले देखा जाए यहाँ पर आपको टेन पॉइंट टच डिस्प्ले देखने को मिलता है और सेंसर के बारे में अगर बात किया जाए एक्सलोम मैग्नेटिक फील्ड जायरोस्कोप ग्रेविटी सेंसर लाइनर एक्सलेशन रोटेशन वेक्टर स्टेप काउंटर प्रोक्समिटी सेंसर एंड ओरिएंटेशन यही सब सेंसर मिलता है हालांकि और कुछ सर होता है जो दे सकता था सैमसंग लेकिन सैमसंग ऐसे ही बहुत कंजूस है इन टर्म्स ऑफ सेंसरलेस कंसर्न फिर भी उन्होंने दिया है ठीक ठाक है सैसंग डिवाइस पर मुझे एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है वच इज दिस यहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको दो तीन अलग अलग ऑप्शन मिलता है एक नो no साउंड दूसरा है मीडिया साउंड मीडिया साउंड मतलब जो फोन के अंदर जो गाने बज रहे हैं या फिर कोई भी यूट्यूब या फिर कोई भी जगह पर जो गाने हो रहे या फिर आप कोई गाना देख रहे जो आपको चाहिए वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मीडिया एंड माइक मतलब क्या है फोन का इंटरनल जो साउंड है वो तो रिकॉर्ड होगा उसके साथ साथ माइक के द्वारा भी आप साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं टू उसके साथ साथ यहां पर शो टैप जो टैप आप जो टच करें उसका जो स्क्रीन मार्किंग है वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन में और कुछ कुछ ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाता है एन मतलब जो सैमसंग पे एन के माध्यम से इस्तेमाल होता है अगर डॉल पी एटमोस का सपोर्ट देखा जाए वो भी इस डिवाइस में अवेलेबल है लेकिन वो खाली काम करेगा अब जब वायर uh, माइक्रोफोन लगाएंगे उसके बाद आपको डॉल्बी एटमोस का साउंड जो है वो आपको मिलेगा क्विक शेयर का ऑप्शन अवेलेबल है जो इजीली आप शेयर कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे एंड स्मार्ट व्यू का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अपने स्मार्टफोन को अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं नीचे यहाँ पर तीन नेविगेशन बटन दिया गया जिसको आप आसानी से चेंज कर सकते हो उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में उसके बाद डिस्प्ले एंड आपको मिल जाता है यहाँ पर विच इज नेविगेशन बार नेविगेशन बार आप कोई भी इसका जो अलाइनमेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं नहीं तो अगर आप चाहते हो तो डायरेक्टली नेविगेशन के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार का आप लेफ्ट राइट करके इस्तेमाल कर सकते हैं मैं जनरली बटन इस्तेमाल करता हूँ जो करते करते मेरे को आदत हो गया है बट कभी कभी क्या होता है फोन का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा लेट होता है फॉर एग्जाम्पल बटन से नेविगेशन जिससे जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड स्वाइप uh, से अगर आपको बटन में जाना है थोड़ा सा टाइम लगता है तो ये मैंने देखा है कभी कभी फ़ोन थोड़ा सा स्लो काम करता है बट ठीक ठाक है यहाँ पर जो ये टच सेंसिटिविटी है उसको आप चाहे तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में उसके बाद डिस्प्ले एंड यहाँ पर टच जो सेंसिटिविटी है उसको आप इनेबल कर सकते हैं ये जनरली किया जाता है जब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर कोई भी टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करते हैं तब कभी कभी होता है क्या टच सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम हो जाता है इसको इनेबल करने के बाद वो आप थोड़ा सा बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर एच पैनल बोल के एक है एज पैनल ये साइड में आता है जिसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं एंड एज पैनल को तो इनेबल डिजिबल करने के लिए आपको डिस्प्ले में जाके उसको इनेबल डिजल करना पड़ेगा मैं एक बार सैमसंग का जो थीम स्टोर है वो एक बार दिखा देता हूँ थीम स्टोर के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम थीम्स आपको मिल जाता है उसके बाद वॉलपेपर है उसके बाद आइकॉन्स हैं बट यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं इनिशियली जो दिखाई देता है वो आपका पेड है तो उसके लिए क्या होता है आपको फ्री या फिर जो भी चीज़ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपका फ्री है तो टॉप में जाने के बाद ऑल में जाने के बाद फ्री जब सर्च करेंगे तब आपको सभी फ्री जो थीम्स है या फिर उसके बाद वॉलपेपर में भी सेम है अगर आपको फ्री वॉलपेपर चाहिए तब तो यहाँ पर आप फ्री वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं इवन आईकॉन पैक में भी सेम है आप जाके डायरेक्टली फ्री आईकॉन पैक भी डाउनलोड कर सकते हैं तो जो, जो जो फ्री है वो आप कर सकते हैं खाली यही नहीं है मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आपका ख़ुद का जो स्टाफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कौन सा चीज़ आपका है कौन सा कौन सा आईकॉन पैक है फिर कौन सा कौन सा चीज़ आपने डाउनलोड

विच इज़ दिस रोटेड टू landscape mode? मोड उसको आपको इनेबल रखना पड़ेगा उसके साथ साथ आपका जो ऑटो रोटेड स्क्रीन है उसको भी आपको इनेबल रखना पड़ेगा ये दो चीज़ करने से आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिवाइस में फाइव गीगर्स एंड टू पॉइंट फोर गीगर्स डोल्ट वाईफाई सपोर्ट है तो अगर आपके घर में लेटेस्ट वाईफाई है जो फाइव गिगर्स सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए गेम लॉन्चर दिया गया है जिसको मैं एग्री करके जस्ट ऑन करता हूँ एंड दिस इज़ द गेम लॉन्चर जहाँ पर आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं गेम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसके बाद अपना प्रायोरिटी मोड को सेट कर सकते हैं कि आपको गेम के टाइम में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, 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 चाहिए यहाँ पर इंस्टेंट प्लेस बोल के भी एक ऑप्शन है जहाँ पर आपको गेमिंग के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा स्पेशली अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो गेम लॉन्चर को डेफिनेटली आप इस्तेमाल कीजिएगा जब आप आ, गेम खेल रहे तब आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो जाएगा और एक चीज़ क्या होता है हम लोग चाहते हैं कोई ऐप बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चलता रहे लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं क्लोज ऑल करता हूँ तो यहाँ पर रिसेंट ऐप जो भी है वो सब बंद हो जाता है लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये जो मेरा यूट्यूब का ऐप है ये बंद ना हो ये हमेशा खुला रहे एंड उसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो ऐप को मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ेगा मेमोरी स्टोर करने के लिए फ़ॉर एन एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब चाहिए मेमोरी में स्टोर करके रखने के लिए क्योंकि मैं क्लियर भी मारूँ तब भी वो बंद नहीं होना चाहिए तब यूट्यूब में यहाँ पर टैप करेंगे लॉक दिस ऐप कर लेंगे ये ऐप लॉक हो गया उसके बाद अगर मैं क्लियर ऑल भी करता हूँ फिर भी ये जो यूट्यूब का ऐप है ये हमेशा खुला रहेगा ये बंद नहीं होगा तो इसको जनरली बोलते हैं क्लियर ऐप मतलब ये कहीं पर भी क्लियर नहीं होगा ये लॉक हो गया है तो इसको अनलॉक करने के लिए प्रोसेस वही सेम ही है ज़्यादा कुछ तो नहीं है वहाँ पर टैप करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने इस डिवाइस में पैनिक मोड का ऑप्शन दिया है जो मुझे लगता है काफ़ी यूजफुल है एमरजेंसी में सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है सेफ्टी एंड इमरजेंसी एंड उसके सबके नीचे मिल जाता है पैनिक मोड पैनिक मोड कब एक्टिवेट होता है जब आप अपना पावर बटन को बैक टू बैक तीन बार दबाते हैं तब वो पैनिक मोड इनेबल हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली वन वन टू पे कॉल हो जाता है जो इमरजेंसी नंबर है एंड उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो सेंड एस मैसेज भी इनेबल करके रख सकते हैं जहाँ पर आप दो चार नंबर को ऐड करके रख सकते हैं एक पर्टिकुलर मैसेज उन लोगों के पास चला जाएगा आपके लोकेशन के साथ तो ये कुछ कुछ ऑप्शन मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर ट्रैवलिंग अ लॉट एंड वो लोग ये पैनिक मोड डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मोर सेफ्टी पर्पज सो गाइज ये था कुछ यूजफुल हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी एफ ट्वेंटी थ्री फाइव जी स्मार्टफोन अगर आपको इसके अलावा आप भी और भी जानकारी लेना है डू राइट इट ऑन द कॉमन